इस लेक्चर में हम दोबारा डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और साथ में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज एंड ईएमएफ को। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वगैरह इसको हमने समझा, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा सा चेंज है, तो उसमें है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए सर्किट इज़ वी वोल्ट, सही है, वी वोल्ट है। इफ़ डब्ल्यू जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन क्यू कूलम पास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्ट का, डब्ल्यू जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करा रहे हैं, सही है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो और वो फ्रिक्शन से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट के एटम तक जा रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं और उससे चार्ज निकल रहा है, तो चार्ज पास हो रहा है। सो व्हेन क्यू कूलम ऑफ पास वन, क्यू कूलम ऑफ चार्ज पास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट में एक फार्मूला बनाया था कि V इक्वल्स टू क्या है, तो V इक्वल्स टू आपका है, V इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा वर्क डन के उसको हम वर्क डन की टर्म में इसको लिखते हैं, तो वो बना हमारा V मल्टीप्लाई बाई क्यू। और Q क्या है, Q को देखा जाए तो V इक्वल्स टू Q है I मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या है, I मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्योंकि I इक्वल्स टू है Q डिवाइड बाई T के, चार्ज पर यूनिट टाइम अगर फ्लो हो रहा है तो वो करंट है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हुआ, तो W इक्वल्स टू आया ये। तो कहने का मतलब है वर्क डन रिलेटेड है, अगर आप वर्क डन करते हैं तो वो रिलेटेड है V मल्टीप्लाई बाई आई और पर यूनिट टाइम से, ठीक है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वर्क डन हुआ, तो वर्क डन हुआ जूल में, तो जूल आपको हीट से भी मिल सकता है, आप मैकेनिकल एनर्जी कुछ दे रहे हैं उससे फ्रिक्शन से आप हीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, या डायरेक्टली आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, या कोई केमिकल प्रोसेस करा रहे हो, जैसे कि जो कोल का बर्न, सपोज करो कोल को बर्न करा रहे हैं, वो भी केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, कोल को बर्न कर रहे हैं उससे हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बस इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफ़र जो है, हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर है डब्ल्यू जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही है, और जो बेसिकली जो वर्क डन है, सही है, और उसकी जो यूनिट है जूल, तो जूल क्या है बेसिकली, वो कैलोरी, सही है, कैलोरी भी आता है, तो कुछ कैलोरी इक्वल्स टू होता है जूल, इस तरह करके। तो कहने का मतलब है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सब वही क्या है, वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो एक एनर्जी आप उसको मैकेनिकल एनर्जी दोगे, मैकेनिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इस तरह का ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो एनर्जी एज इट इज़ रहेगी, तो एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, बस एनर्जी का क्या है, फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है वो चेंज होती रहेगी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, वोल्टेज पे आते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखना, न्यूमेरिकल सोल्व करने काम आएगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए सर्किट, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी सर्किट में या किसी एक, यहाँ पर सपोज करो ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इनके बीच में जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब इनके बीच में कोई पोटेंशियल हो, ठीक है ना, इनके बीच में कोई पोटेंशियल हो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, या तो यहाँ पर पॉजिटिव हो और यहाँ पर नेगेटिव हो, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में था कि एक पे पॉजिटिव चार्ज था एक पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो जैसे कि वेंडेग्राफ जनरेटर, वेंडेग्राफ में एक जो डोम है बड़ा वाला डोम, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटे वाले डोम पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, फिर थ्रू एयर वो जो है चार्ज पास हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट हीट एंड क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। तो उतनी एनर्जी वो वहाँ पर फिर जनरेट भी करते हैं। तो सिंपल है, अब यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहे हैं,
तो इसमें और इसमें कंडक्टर में फर्क ये है कि यहाँ पर एयर की जगह अब कंडक्टर है, ये डोम भी कंडक्टर था, ये वाला छोटा डोम भी कंडक्टर था, ठीक है। पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बीच में पाथ है उसमें बीच में भी हमने कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। तो जब अगर कंडक्टर लगा दो तो क्या होगा, जो इतने भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था इसका वैंडेग्राफ जनरेटर का, वो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ इधर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र तभी हो रहा है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। अगर दोनों पे सेम सेम पॉजिटिव चार्ज हो तब भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहाँ पर मान लूँ कि यहाँ पर जीरो, ये न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे पास हो सकते हैं। है अजीब है, हाँ ये अजीब इसलिए है क्योंकि अगर मैं एक पाथ यहाँ पर इस तरह दे दूँ और इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल पॉजिटिव रखूँ और इसको रखूँ जीरो, सही है, तो सर्कुलेट तो हो सकते हैं फिर, ये इधर से बस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इससे भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इस तरह चलता रहेगा ये क्लोज लूप है। तो चलो इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर में चार्ज तभी पास होगा, ठीक है, जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो यहाँ पर है जो वोल्टेज, अब क्या है, वोल्टेज इज द मेजर ऑफ हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट, ए बी से ए के बीच में या ए से बी के बीच में अगर हमें कोई चार्ज मूव कराना है तो उस पर हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क करना पड़ेगा वो सीधा सीधा मेजरमेंट है, मेजरमेंट मतलब उसको नापना, मापना, सही है, तो मेजरमेंट है, सही है। तो वोल्टेज क्या है, वो हम वर्क को मेजर करते हैं बेसिकली, जो वोल्टेज है वो उस वर्क का मेजरमेंट है जो बी से चार्ज उठा के ए तक लेके आ रहा है या ए से चार्ज लेके बी तक लेके जा रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज वो है। तो सपोज करो, अब यहाँ पर इसमें एक और चीज़ है, द वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है टू मूव ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इन द पाथ ऑफ करंट। अब मैं यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूँ, तो वोल्टेज सोर्स क्या है, बेसिकली एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी दे रहा है ना, तो एनर्जी सोर्स है ये, इसके अक्रॉस इसके जो है, जो ये वोल्टेज सोर्स है ये बेसिकली क्या है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी को दे रहा है, किसको एनर्जी दे रहा है, चार्ज को, क्या करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर मान लो बी है, तो यहाँ पर मैंने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, तो वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, बेसिकली एनर्जी दे रहा है किसको, यहाँ पर किसी पॉइंट पर कोई चार्ज है और उन चार्ज को बी तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब ए पे, अब यहाँ पर इसको देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है बैटरी का, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे अब, तो चार्ज एनर्जी किसको दे रहा है, एनर्जी किसकी फॉर्म में जो फ्लो होगी वो होगी, जो सॉरी जो चार्ज फ्लो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, इधर से, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, सही है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो होगा इधर से इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो बी से इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आएंगे, तो जितने बी से ए की तरफ जाएंगे उतना ही ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो जा रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट, सिंपल है, ठीक है। बस उसमें क्या है, जो चार्ज जा रहा है उसको पर सेकंड ले लेते हैं, कोई यूनिट ऑफ टाइम, कितने टाइम तक, सही है, तो जो भी चार्ज जा रहा है तो क्यू पर यूनिट ऑफ टाइम, तो वो क्या, आप उसमें फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो करंट होगी इधर फ्लो, इलेक्ट्रॉन होंगे इधर फ्लो, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जो ये वोल्टेज सोर्स है ये क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, सिंपल है, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल रोल ले लेते हैं, इसको आपको समझ में आएगा और अच्छे से, मैं एक सर्किट बना देता हूँ, यहाँ पर सपोज करो एक सेल है ये, दूसरा एक सेल इधर भी लगाया हुआ है बैक टू बैक सीरीज में, ठीक,
और यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुए हैं, एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 वोल्ट का है, दो सेल हैं, डेढ़ डेढ़ वोल्ट के, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। यहाँ पर जो ये जो है, यहाँ पर सपोज करो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट पे, और यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, यहाँ 1 वोल्ट का और यहाँ पर 2 वोल्ट का। तो मैं पी डी लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 वोल्ट यहाँ पर, ये क्या है, एनर्जी सोर्स, सही है। तो 3 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गिवन टू ईच कोलॉम, ईच कोलॉम ऑफ चार्ज, ठीक है, गिवन टू ईच कोलॉम, सिंपल। अब यहां क्या क्या मतलब है? जो 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है 1 जूल ऑफ एनर्जी तो एनर्जी यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी, 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय ईच कोलॉम, इसने इसको दिया और यहां पर एक एनर्जी का लॉस हो गया। क्यों? यहां पर बल्ब लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, लाइट और हीट की फॉर्म में, तो लाइट एंड हीट, बल्ब लगे हैं ना घर में, हाँ, तो वो क्या क्या जनरेट करते हैं, लाइट और हीट, दो चीज़ देते हैं। तो जो एनर्जी इस सोर्स ने दी, इसने क्या किया, अगर यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो लूज करेगा, लूज करेगा किस फॉर्म में, बेसिकली वो कन्वर्ट करेगा किसमें, लाइट एंड हीट की फॉर्म में, सही है। आप घर पे देख सकते हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट से आपको क्या मिलती है, लाइट मिलती है। और सब अगर ट्यूबलाइट के पास जाके देखेंगे, उसको टच करके देखेंगे, टच नहीं करना आप अभी, टच नहीं करना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसमें आपको, बस आपको दूर से ही देखोगे तो उसमें हीट जनरेट होगी, सही है। तो लाइट है, तो सिर्फ ग्लास पार्ट टच करना, बाकी कोई और पार्ट टच नहीं करना। तो अगर आप ग्लास पार्ट टच करोगे तो आपको फील होगा कि वो हीट है, सही है, तो हीटेड है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, अगर लैंप के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब है 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, उसको हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, चार्ज को, सही है, इस कोलम ऑफ चार्ज को, इस पॉइंट से, सही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है इधर वाली डायरेक्शन में, सही है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा। अगर नेगेटिव लेके चलेंगे तो इधर से इधर जाएगा, तो पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 1 जूल ऑफ एनर्जी की। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, ये जो आपका बल्ब है, इसका जो एक तरह से यहाँ पर फिलामेंट है, इससे अगर आपको 1 कूलम चार्ज को पास कराना है, तो आपको 1 वोल्ट की ज़रूरत है, यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, सिंपल है। ऐसे ही यहाँ पर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज, मतलब ईच ऑफ कोलाम को अगर आपको पास कराना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है, 2 जूल ऑफ एनर्जी की, सही है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर 2 जूल ऑफ एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ पर ये इससे 2 टाइम्स ग्रेटर लाइट एंड हीट जनरेट करेगा, सिंपल है। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस, वोल्टेज क्या है बेसिकली, सही है। तो इसको आप लिख सकते हो, इफ़ ए लैम्प हैज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एक्रॉस इट, देन 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्पेंड बाई ईच कोलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो 1 वोल्ट के लिए है, और सेम है 2 वोल्ट के लिए भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। अब आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये है क्या बेसिकली? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ये है
किसी पावर या एनर्जी सोर्स या वोल्टेज सोर्स इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर कोई करंट उसमें फ्लो नहीं हो रही है तो जो भी उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो भी आपके, देखो थ्योरेटिकल जो मैंने यहाँ पर समझा देता हूँ इसको। देखो थ्योरेटिकल एक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ 1.5 वोल्ट, सिंपल है। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस क्या है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अब इसको समझ लो। तो रेसिस्टेंस क्या है, बेसिकली वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, सही है। तो जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस है बेसिकली, ये समझ लो। तो रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है तभी तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और रेसिस्टेंस क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देता है जो आपकी एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है इन टर्म्स ऑफ हीट और इन टर्म्स ऑफ लाइट, सही। तो ऐसे यहाँ पर है 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पर ये तो है आइडियल केस कि किसी सेल को आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो 1.5 वोल्ट। अगर प्रैक्टिकली देखो, अगर आप अपने घर में जो सेल हैं जो लेके आते हो रिमोट के लिए या क्लॉक वॉल क्लॉक के लिए, वो जो सेल लेके आते हो उसमें मेंशन होता है कि उसका सीरीज रेसिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर सीरीज रेसिस्टेंस भी है RS, ठीक है। तो अगर इसका आप पोटेंशियल देखोगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही है हमारा EMF बैटरी का, तो 1.5 वोल्ट आएगा, सही है। तो जितना भी उसके अक्रॉस जो वोल्ट होती है सोर्स के सर्किट में कनेक्ट किए बिना, अगर आप इसको सर्किट में कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो सपोज करो ये है तुम्हारा यहाँ पर सेल, जैसे ये सेल है ना यहाँ पर, ये दो पॉइंट, तो ये दो पॉइंट का अगर मैं इसको बिना कनेक्ट किए यहाँ पर इसको मेजर करूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही मेरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, क्योंकि वो मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स है, मैक्सिमम वोल्टेज आएगी, ठीक है। पर अगर मैंने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो बल्ब लगाने से अब करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होगी तो उस वजह से यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज आएगी, है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो किस में से माइनस होगी, 1.5 माइनस दैट वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी अब वो 1.5 वोल्ट नहीं आएगी, वो आएगी 1.5 माइनस जो वोल्टेज यहाँ पर इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, तो इसको मैं कह देता हूँ VRS, ठीक है। तो अब ये आएगी, तो जब करंट अगर ड्रा करेंगे तो जब उसे करंट निकाल लेंगे तो ये वोल्टेज आएगी, और जब करंट नहीं निकाल लेंगे तो एक्चुअल वोल्टेज 1.5 आएगी। तो EMF सिंपली क्या हो गया, EMF ऑफ द पावर ऑफ एनर्जी सोर्स इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन नो करंट डाउन फ्रॉम इट, सही है। तो EMF को वैसे भी देख सकते हो कि लोस्ट वोल्ट प्लस टर्मिनल PD। अब यहाँ पर इसको जो फार्मूला है उसको वैसे लिख सकते हैं, अगर सर्किट में है, सही है, अगर सर्किट में है, नो करंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर सर्किट में है तो फार्मूला बनेगा ये। तो लोस्ट वोल्ट कितनी है, जो इस जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर जो वोल्ट हो रही है, तो मतलब ये सोर्स के अंदर ही वेस्ट जा रहा, तो इसको लिखेंगे VRS, सही है, प्लस टर्मिनल PD कितनी हुई जो इसके अक्रॉस है, सही है। तो इसको मान लेते हैं कि जो बल्ब है इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारी VB, तो इसको नाम दे दो VB, टर्मिनल PD, सिंपल है। अब इलेक्ट्रिकल सेल की EMF कितनी होगी, तो उसका है EMF ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, बस इसकी ये बन जाएगी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल, सही है। तो EMF ऑफ द सेल अगर कोई पूछे तो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज द मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट, सिंपल है। तो इसको यहीं पे रोकते हैं। मेरा चैनल लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई डाउट है तो, अगर अच्छा है तो उसको भी डाउट करो, फीडबैक दो, ठीक है, हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए, थैंक यू।